ये हॉस्पिटल आपका है? हाँ जी। ये जूते, ये सारे मरीज हैं, यहाँ पर एक खुला है हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज सारा पता चल जाता है आपको। अच्छा। कि इस जूते को ये बीमारी है, ओपीडी में बैठता है। अच्छा। एमरजेंसी वाला कोई जूता आ गया। अच्छा। फिर उसको क्या करना है? ये जनाब इसमें क्या रखा है आपने? इसके ऐसा कारीगर तो कोई है नहीं। कहाँ ये डॉक्टरी आपने कहाँ से सीखी है? ये वाली ये डॉक्टरी मेरी खानदानी। हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग द चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त बोले तो शिवम भी सिंह। जैसा कि आपको पता है, चैटर बॉक्स आपके सामने हर दिन हर रात कोई एक नई वीडियो लेके आता है। आज हम आपके सामने जो वीडियो ला रहे हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर के बारे में। नाम पढ़ा आपने? एक बार दोबारा पढ़ो, जख्मी जूतों का हॉस्पिटल। तो भाई साहब यहाँ पर एक खुला है हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज किसका होता है? जूतों का। ये देखो जनाब, ये जूते, ये सारे मरीज हैं। ये देखो, इधर आओ, इधर आते हैं। पहले इधर से हमें पर्ची कटवाने पड़ेगी, तो आ जाओ, पहले हम पर्ची कटवाते हैं, फिर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे इलाज करते हैं इन जख्मी जूतों का। तो आओ हमारे साथ, पहले हम अंदर घुसते हैं, दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। ये हॉस्पिटल आपका है? हाँ जी। ये कितने साल हुआ ये हॉस्पिटल खोले हुए? 40 साल। 40 साल से हॉस्पिटल चल रहा है? हाँ जी। तो हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह कितना स्टाफ है हॉस्पिटल में? मतलब स्टाफ का मतलब क्या? मतलब स्टाफ जो होते हैं, नर्स वगैरह होते हैं ना, जो हॉस्पिटल में होते हैं। अच्छा। हाँ, वो मेरे पास दो लड़के हैं। दो लड़के हैं? हाँ। तो अच्छा, जब कोई मरीज आता है अपना जूता लेके, या जो जूता जो मरीज होता है वो आपके पास आता है, फिर पर्ची कौन काटता है पहले उसकी? पर्ची हम ही काटते हैं। अच्छा, पर्ची आप ही काटते हो? हाँ। तो पर्ची काटने के बाद फिर कार्रवाई कैसे शुरू होती है? फिर पर्ची काटने के बाद फिर उसका जूतों का इलाज होता है। इलाज होता है, कैसे पता चलता है इसको कौन सी बीमारी है? हमको सब पता चलता है कि ये बीमारी इसको ये है। अच्छा। इसको ये है, इधर से सोल्यूशन लगाना है। हाँ। इधर से सिलाई करना है। अच्छा। इधर से कहीं टूटा हुआ सॉल लगाना है। अच्छा। इसको ऐसे इलाज करते हैं हम। अच्छा। हाँ, और जो जैसे जो जूता किसी से नहीं बनता है वो हमारे पास लाना, हम उसको क्रियल करके देंगे। अच्छा, ये गारंटी है? ये गारंटी है। मतलब कैसा मर्जी बीमारी हो, जूते को लगी, सारी ठीक कर देंगे हम। सारी ठीक कर देंगे। हाँ। ऐसी मतलब कहाँ, ये डॉक्टरी आपने कहाँ से सीखी है? ये वाली ये डॉक्टरी मेरी खानदानी, बाबा दादा बाप करते थे मेरे काम। अच्छा। पहले देसी जोड़ा बनाते थे मेरे बाप दादा। अच्छा। फिर हमने ये काम इधर आकर शुरू कर दिया। अच्छा। इधर 40 साल से बैठा हुआ, इधर ही से शुरू किया मैंने ये काम। 40 साल से मैं इधर ही सेट हूँ। ये आप जूते और चप्पल देख के आपको पता चल जाता है कि इसको दिमाग की बीमारी है, इसको दिल की बीमारी है, सारा पता चल जाता है हमको। अच्छा। कि इस जूते को ये बीमारी है। अच्छा। वो हम उसको ठीक कर देते हैं। कोई ऐसा जूता है जिसका दिल टूटा हो? हैं? ऐसा जूता है जिसका दिल टूटा हो? ऐसा जूता आते हैं जिसका दिल टूटा है। अच्छा। तो उसको हम उधेड़ कर दोबारा उसकी सेटिंग करते हैं। अच्छा, नया दिल डालते हैं? नया दिल डालते हैं उसको। अच्छा। उसको नया सोल लगा देते हैं। अच्छा। नया उसमें अंदर लेदर लगा देते हैं। अच्छा। उसको फिर ओके बना देते हैं नया। हाँ जी। तो फिर दिल लगा सकता है? दिल लगा सकता है। सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पर? सुबह आते हैं कोई 9, 9:30, 10 बजे कभी। अच्छा, 10 बजे यहाँ पर आके हॉस्पिटल खोल देते हो? हाँ जी। तो फिर उसके बाद जैसे ही कस्टमर आते हो तभी देते हो या थोड़ा टाइम के बाद देते हो? जल्दी वाले को जल्दी दे देते हैं। अच्छा। जैसे ज़्यादा मरीज है जूते को। हाँ। उसको टाइम बता देते, 2 घंटे के बाद होगा। हाँ। 1.5 घंटे के बाद होगा, 1 घंटे के बाद होगा। आपका ICU वार्ड कहाँ है? हाँ जी, ICU वार्ड जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, ICU वार्ड। हाँ जी। वो भी रखा है आपने? हैं? आज जैसे वो कोई मरीज जो आया, वो सीरियस जो एमरजेंसी वाला कस्टमर आया, मरीज आया हुआ एमरजेंसी वाला कोई जूता आ गया। अच्छा। फिर उसको क्या करना है? उसको जल्दी से जल्दी अपने दूसरा आदमी लगा हुआ ना। अच्छा। उसको कहना है जल्दी फटाफट तैयार कर उसको। सीरियस केस है ये? हैं? ये सीरियस केस है ना? हाँ, सीरियस, जो सीरियस होता है ना उसको जल्दी करो तैयार। अच्छा। उसको फिर जल्दी तैयार करके वो ठीक करके उसको फिर भेज देते हैं। अच्छा, भेज देते हो? हाँ जी। तो हॉस्पिटल ये बंद कितने बजे होता है? ये करते हैं कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे। अच्छा। ये आपको जो नाम लिखा है आपने, जख्मी जूतों का डॉक्टर, ये कहाँ, किसने दिया आपको नाम? ये ऐसा नाम रखो जैसे आप आए ना वीडियो वाले, ऐसे ही वो भी बना करके इधर। अच्छा, उन्होंने लिखा जख्मी जूते? उन्होंने बना कर दिया। अच्छा, उन्होंने बना कर दिया। उन्होंने जब हमारा काम देखा ना। हाँ। तो कहते हैं इसके ऐसा कारीगर तो कोई है नहीं। अच्छा। ये जो जख्मी जूतों को पूरा इलाज करता है। अच्छा। तो उन्होंने जो हमको फिर पोस्ट लगा कर दिया। ये कितने साल से पोस्ट लगाया? ये लगा हुआ कोई 10-15 साल से। 10-15 साल से।
हाँ जी। तो काम बढ़िया चल रहा है? हाँ ठीक है, काम चलता है, कोई बात नहीं। बढ़िया चलता है। ये हमारे इधर अंकल खड़े हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आप कितने देर से इलाज करा रहे हो अपने जूतों का? मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए हो? ठीक इलाज हुआ जूतों का? हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया। फर्स्ट क्लास हो गया। तो गाइज ये है अंकल, ये यहाँ पर बैठते हैं, ये मस्जिद है, यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल सामने अंकल जी बैठते हैं। ये देख लीजिए स्पॉट, अंकल जी बैठते हैं यहाँ पे। जख्मी जूतों का हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पेटीएम फोन पे की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होगी। ये ऑपरेशन का सामान है इनका, ये देख लो। किसी को टांके लगाने, यहाँ से टांके लगा देते हैं। वो देखो इनका आईसीयू इमरजेंसी। ये जनाब इसमें क्या रखा है आपने? हाँ जी, इसमें भी दवाइयाँ रखी हैं जूतों की। अच्छा, जूतों की दवाइयाँ? हाँ, जो इसको जूतों को सामान चाहिए। अच्छा। इसमें पूरा सेटिंग सामान रखा हुआ है। अच्छा। किस जूते को ये सामान लगेगा। अच्छा। इस जूते को ये सामान लगेगा। अच्छा, हाँ जी। तो बढ़िया है, ये इनका इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड है? नहीं, इमरजेंसी वार्ड है जी। ये सर का इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर इमरजेंसी काम होते हैं, जो भी होते हैं। तो गाइज अगर आपको अपना जूते का कोई भी बीमारी हो, यहाँ पर भाई साहब इलाज करते हैं। जख्मी जूतों का हॉस्पिटल है। तो गाइज आइए, यहाँ पर कुछ भी हुआ हो आपको जूते चप्पल को, यहाँ पर आइए और ये जेन्युइन रेट्स में ये ठीक कर देते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी योगराज। योगराज? हाँ जी। योगराज जी आप रेट ज़्यादा तो नहीं लेते, नॉर्मल रहता है रेट? रेट ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो तो जो बनती है हमारी वही लेते हैं। नॉर्मली लेते हैं? नॉर्मल लेते हैं। दूसरे डॉक्टर का नाम है सरजू। सरजू? हाँ। अच्छा, दूसरा डॉक्टर भी है सरजू? दो डॉक्टर हैं। दो डॉक्टर हैं? हाँ जी। डॉक्टर का क्या क्या नाम है? एक डॉक्टर का नाम है योगराज। अच्छा। एक का नाम है सरजू। सरजू? हाँ जी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। भैया आपने अपने जूतों का इलाज करवाया यहाँ कभी? बहुत बार। बहुत बार? कैसा इलाज होता है? बढ़िया इलाज होता है? अच्छा इलाज होता है भाई। अच्छा, अंकल ज्यादा पैसे तो नहीं लेते हैं? नहीं, जितना बनते हैं उतना लेंगे भैया। अच्छा, तो बढ़िया डॉक्टर है। सर्जरी अच्छी करते हैं? अच्छी अच्छी। एक नंबर? एक नंबर। देखो कस्टमर के रिव्यू सामने आ रहे हैं कि जो सर्जरी है अंकल बहुत बेहतरीन सर्जरी करते हैं जूतों की। ओपीडी में भी बैठता है कभी कभी? कभी कभी ओपीडी में भी बैठता है अंकल? कभी कभी कह रहे हैं ओपीडी में भी बैठता है? लगती है कभी कभी ओपीडी ओवरफ्लो हो जाती है ना? अच्छा, ओपीडी लगती है। तो गाइस ये कह रहे हैं कभी कभी ओपीडी में भी बैठते हैं। तो ये है अंकल, तो किसी को भी अपने जूतों बीमार जूतों का इलाज करवाना हो तो सर्जन योगराज जी के पास आइए। सरजू डॉक्टर की फोटो है क्या? सरजू डॉक्टर कहाँ गया? आज थोड़ी आया नहीं है, छुट्टी पर है। तो गाइस जो डॉक्टर सरजू है वो उनकी ड्यूटी कहीं और लगी है आज। कहाँ गया? वो इमरजेंसी वार्ड में। कोई इमरजेंसी जूते वाला आ गया था तो वो इमरजेंसी जूते लेके उनको रिपेयर कर रहे हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर। तो ये थी जख्मी जूतों का हॉस्पिटल की कहानी। तो गाइज मैंने अपने जूतों का इलाज करवा लिया है। अगर आपने भी जूतों का इलाज करवाना है तो कहाँ आना है? उस्ताद मोहल्ले के सामने ये मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने बैठते हैं जख्मी जूतों का डॉक्टर, ठीक है, और सर्जन भी है, ठीक है। तो उनके पास आइए और ठीक कराइए। उसी के साथ बाकी वीडियो के लिए देखते रहिए द चैटर बॉक्स। बाय बाय गाइज़।